अगर आप डायनासोर से वाकिफ हैं, तो आई एम श्योर कि आपने टीरेक्स का नाम तो सुना ही होगा। टीरेक्स डायनासोर की सबसे फेमस प्रजाति है, लेकिन क्यों ये आपको आज पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे धरती पर आए सबसे खतरनाक मांसाहारी डायनासोर टायरानोसॉरस रेक्स यानी टीरेक्स की। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहें। डायनासोर्स मेसोसोइक एरा यानी 25 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहा करते थे और इस एरा के तीन पीरियड्स में से सबसे लास्ट पीरियड यानी क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट टाइम दैट वाज अराउंड 6.8 टू 6.6 करोड़ इयर्स अगो टीरेक्स ने इस धरती पर राज किया। आफ्टर दैट 1900 एडी में एक फेमस डायनासोर फॉसिल हंटर अमेरिकन पेलियंटोलॉजिस्ट बानम ब्राउन ने टायरानोसॉरस रेक्स के फॉसिल्स पहली बार नॉर्थ अमेरिका में डिस्कवर किए। टायरानोसॉरस रेक्स नाम एंशियंट ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना है। टायरानोस यानी टायरेंट मतलब तानाशाह, सॉरस यानी लिजर्ड मतलब छिपकली और रेक्स यानी किंग मतलब राजा। अब इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये अपने टाइम में जंगल का राजा हुआ करता था। इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये बहुत ही एक्सपर्ट शिकारी थे। अब उस खूंखार जमाने में इंटेलिजेंस से ज्यादा फिजिकल ट्रेट्स की जरूरत होती थी, बट टीरेक्स तो दोनों ही एस्पेक्ट्स में एकदम परफेक्ट थे। एक एडल्ट टीरेक्स की हाइट लगभग 6 मीटर्स, लंबाई लगभग 12 मीटर्स और वजन अराउंड 8,000 किलोग्राम्स हुआ करता था। ये दो पैरों पर चलते थे और बड़ा सिर और लंबी भारी पूंछ होने की वजह से स्पीड और बैलेंस ये दोनों को इजीली मैनेज कर सकते थे। इनके दो छोटे छोटे हाथ भी हुआ करते थे, बट साइज में हमारे जितना होने के बावजूद उनमें गजब की स्ट्रेंथ होती थी। बाकी दूसरे डायनासोर के कंपैरिजन में टीरेक्स का दिमाग भी बड़ा और तेज होता था। एक बड़े साइज का सेरेब्रम होने की वजह से अच्छी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और बड़ा सेरेबेलम होने की वजह से मसल फंक्शन पर काफी अच्छा कंट्रोल टीरेक्स को चालाकी से रणनीति बनाकर शिकार करने में कैपेबल बनाता था। बात करें इसके जबड़े की तो टीरेक्स की बाइट जमीन पर अभी तक आए किसी भी जीव में सबसे ज्यादा थी। 60 खौफनाक दांतों से लोडेड इस जबड़े में इवन स्टील को तोड़ने की क्षमता थी। इसके अलावा टीरेक्स की आई साइट भी बहुत तेज थी। साइज में क्रिकेट की बॉल जितनी बड़ी आंखें होने की वजह से इनमें ज्यादा लाइट एंटर करती थी और कहा जाता है कि टीरेक्स मीलों दूर तक देख सकते थे। बाकी चेहरे के दोनों तरफ आंखें होने की वजह से वो अपने शिकार को दो डिफरेंट एंगल से देख सकते थे एंड देन उन इमेजेस को कम्बाइन करके उनका ब्रेन शिकार की एक अच्छी खासी 3D इमेज फॉर्म कर लेता था। अब एक शिकारी को चाहिए तेज नाक और टीरेक्स की सूंघने की शक्ति एकदम लाजवाब थी। उनके ओडर रिसेप्टर्स काफी तेज थे और कहा जाता है कि एक टीरेक्स की सूंघने की शक्ति आज के 100 शिकारी कुत्तों जितनी होती थी। बाकी आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे हम लेफ्ट और राइट कानों से अलग अलग सुन सकते हैं, वैसे ही टीरेक्स अपनी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल से स्टीरियो में सूंघ सकते थे, जिससे इवन छुपे हुए शिकार को पिन पॉइंट करके ढूंढ निकालना टीरेक्स के लिए बाएं हाथ का खेल होता था। ऊपर से तेज सूंघने की शक्ति को यूज करके वो न केवल ये बता सकते थे कि कौन सा डायनासोर उस रास्ते से गया था, बल्कि कितने देर पहले गया था ये उसका भी एस्टिमेशन लगा सकते थे। अब आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि टीरेक्स की बाइट जहरीली थी। अब मांसाहारी होने की वजह से इनके दांतों में मांस फंस जाता था, जिससे इनके मुंह में इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज पनपने लगते थे एंड दैट्स व्हाई टीरेक्स के दांतों से घायल होकर चाहे कोई जीव भाग भी जाता होगा तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता होगा, क्योंकि उस घाव से हुआ जानलेवा इन्फेक्शन उस बेचारे डायनासोर को कुछ ही दिनों में टपका देता होगा। बाकी उस लाश को टीरेक्स काफी दूर से सूंघकर खाने के लिए फटाक से आ जाते थे। फन फैक्ट, इस सड़े हुए मांस की वजह से टीरेक्स की सांस भी काफी बदबूदार हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, ये थी सबके फेवरेट और सबसे भयानक डायनासोर टीरेक्स की कहानी। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। बाकी आपका फेवरेट डायनासोर कौन सा है, प्लीज बी श्योर टू टेल अस इन द कमेंट्स। और ऐसे ही रहस्यमय जीवों के बारे में जानने के लिए प्लेनेट यूजर रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।